Welcome with another video tutorial that is about the diuretics. Continue here. The topic to discuss right now is loop diuretics. Loop diuretics ko hum log pharmacologically jab padhte hain, right now the one that is having high potency और जो बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत पोटेंट ड्रग है, इसीलिए इनको हाई स्वेलिंग भी कहते हैं. दीज आर हाई स्वेलिंग डायुरेटिक्स. कौन से? लूप्स. ओके, ये लूप्स डायुरेटिक्स क्या होते हैं? लूप डायुरेटिक्स जो एक्ट करते हैं, वो नाम बता रहा है कि ये लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करते हैं. उनमें से भी स्पेसिफिकेशन है फॉर द थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि थिक भी है और असेंडिंग भी है लूप ऑफ हेनले. वहां पर इसका मोड ऑफ एक्शन का जो साइट है वो ये है. कैसे एक्शन करता है? लेट्स डिस्कस द MOA, मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसे हम लोग लूप डायरेटिक्स देते हैं. इसका दो द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल और द वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, और यू कैन से द वेरी एग्जांपल फॉर द लूप्स राइट नाउ दैट इज अवेलेबल in the market, so we call that drug generic name is furosemide. Iski pronunciation kya hai? Ye spelling jo hum log padhte hain, we start with fu like that, furosemide. Lekin iski pronunciation hai furosemide. The furosemide is the one that is medically available right now. You can go and have this drug. How it is acting? Let's discuss that. Thick ascending loop of Henle par ye act karta hai. मैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को उठाता हूँ. बाकी बातें हम लोग अपने पिछले डायुरेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि लूप ऑफ हेनले में अगर हम बात करते हैं अभी, कौन सा पोर्शन ल्यूमन कहलाता है, कौन सा बेसल मेम्ब्रेन है, बेसोलैटरल, और कौन सा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है. थोड़ा सा मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट करवाता हूँ कि ये ल्यूमन है. ल्यूमन का जो ये स्पेस हम कहते हैं, ये ट्यूब लाइक ओपनिंग जो है, अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो पाइप का अंदरूनी हिस्सा है, उसको ल्यूमन बोलते हैं. और जो मेम्ब्रेन पाइप को ढकेलता है अंदर की तरफ से, जो मेम्ब्रेन है, अभी ये आप पाइप है, पाइप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं, ये ल्यूमन को फेस कर रहा है, तो ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन हुआ. और जो पाइप के बाहर वाला मेम्ब्रेन है, दैट इज नाउन एज बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, जो कि इंटरस्टीशियम को फेस करता है, ब्लड को फेस करता है. तो क्या होता है, अभी हम बात करते हैं कि ल्यूमन से, पाइप के अंदर हिस्से से ल्यूमन में फ्लो करता है कौन कौन से? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड 2 chloride आयंस, और साथ में पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी फ्लो कर रहे होते हैं. अभी होता क्या है इस लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में थिक, इसमें ये होता है कि सोडियम, पोटाशियम और 2 chloride के चैनल्स होते हैं. इनमें से ये मूव करते हैं इनसाइड टू द मेम्ब्रेन. ये ल्यूमिनल पोर्शन है, ये एपिथेलियल सेल्स है, और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर होते हैं पोटाशियम और सोडियम के ट्रांसपोर्टर्स. ये सोडियम और ये पोटाशियम और ये क्लोराइड जब इंटर हुए, तो सोडियम अंदर जाएगा इंटरस्टीशियम में, ब्लड में जाएगा, और वहां से पोटाशियम को ये एंटीपोर्ट के थ्रू अंदर लाएगा एपिथेलियल सेल में, और ये पोटाशियम यहां से दोबारा जो है एक चैनल के थ्रू आएगा टू द ल्यूमन. और यहां पर ये पोटाशियम जो है, एक नेक्स्ट पोटाशियम भी अंदर आ रहा है. ये फिर कहां से आ रहा है? ये जो क्लोरीन क्लोराइड आयंस एंटर हुए थे, वो जाकर के इसके थ्रू एक दूसरा ट्रांसपोर्टर बनाते हैं, जिसके जरिए से क्लोराइड भी अंदर जाएगा और पोटाशियम बाहर आएगा. इस तरीके से क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी टू द इंटरस्टीशियम, और पोटाशियम जो है वो बाहर आएगा, क्लोराइड भी अंदर जाएगा. अभी बात हम करते हैं कि ये डायुरेटिक मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है. अगर हम इसको इनहिबिट करते हैं तो डायुरेसिस कैसे होता है? वेरी सिंपल. इसको आपने इनहिबिट किया विद रेड मार्कर, आई इनहिबिटेड दैट. इनहिबिट करने के बाद सोडियम नहीं जा रहा, पोटाशियम नहीं जा रहा, और क्लोराइड भी नहीं जा रहे, तो क्या होगा? ये फ्लो करेंगे कहां पर? ल्यूमन में. ल्यूमन कौन सा रीजन है? ये फ्लो करने के बाद जाएंगे. आप लोग ये बात जानते हैं कि सोडियम आयंस अगर मूव करते हैं जहां भी, वाटर उसको फॉलो करता है, तो सोडियम चैनल्स को हमने ब्लॉक करवाया, जिसकी वजह से वाटर भी उसको साथ लिए, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड जो है वो क्या जाएंगे, दे विल मूव ऑन. और साथ में यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, इनके क्या होता है, ये यहाँ पर ये देखो सेल, पेरिसेलुलर, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच ये जो स्पेस है, कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ से जाते हैं. जब हम इनको ब्लॉक करते हैं,
तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का फिर क्या होता है, लॉस होता है, जिससे हाइपोकैल्शीमिया हो सकता है और मैग्नीशियमिया हो सकता है। तो उनकी लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, मींस के उनके जो बोन्स हैं वो उनमें कैल्शियम की अमाउंट नहीं है, वो पोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, तो उन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के लिए फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उस पेशेंट को डायरेक्ट करते हैं फॉर अनदर डायबिटिक दैट इज थायाजाइड, बिकॉज थायाजाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम स्टोरेज। वो कैल्शियम की लीकेज को या एक्सक्रीशन को वो इनहिबिट करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करवाते हैं। That's it, a little understanding regarding the diuretic, unme se the loops. Iska the very interesting example is furosemide, aur jisko aap log furosemide padhte rehte hain, which is pronunciation ke hawale se wrong hai. To let's continue. Till then, stay blessed and keep on sharing and doing everything interesting for the video lectures that I'm making for you people. So till then,